वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन दो इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। ये है हीरो की ओरेवा और ये है चाइना की बनाई हुई U8। तो हम इन दोनों के बारे में आज बात करते हैं, देखते हैं कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओरेवा के मीटर के बारे में। इसका जो है ये डिजिटल मीटर दिया हुआ है इस टाइप का, और ये इसकी चाबी दी है जिसके साथ ये सेंटर लॉक वाली की आती है। और जो हमारी ये है U8, इसका मीटर कुछ इस टाइप का, इसका भी डिजिटल मीटर दिया हुआ है इस टाइप का। इसमें जो है आपको सेंटर लॉक की नहीं मिलती, इसमें नॉर्मल की मिलती है ये इस टाइप की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके व्हील के बारे में। ये है ओरेवा के व्हील, काफ़ी अच्छे व्हील दिए हैं ओरेवा के। और U8 के व्हील जो हैं कुछ इस टाइप के। U8 के व्हील आपको थोड़े नीचे मिलेंगे और ये स्कूटी भी थोड़ी नीचे है और ये आपको थोड़ी ऊंची मिलेगी। इसके व्हील भी थोड़े ऊंचे दिए हुए हैं। आगे से फ्रंट इन दोनों स्कूटियों का ऐसा है। तो अब एक बार जो है इन दोनों स्कूटियों की रेस लगवा के टेस्ट करते हैं कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए रेस लगाते हैं इन दोनों की। खड़ी हुई हैं, वहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, लास्ट तक चलाएंगे वहाँ से यहाँ तक, जो सबसे तेज़ चलती, देखते हैं कौन सी ज़्यादा तेज़ चलती, वहाँ लास्ट में लेके चलते हैं, फिर वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमने ला के दोनों स्कूटियाँ खड़ी कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, वहाँ लास्ट तक लेके जाएंगे, कौन सी सबसे पहले वहाँ लास्ट में पहुँचती, देख। 2-3 कि आपने देख लिया, हीरो जीत गई, चाइना हार गई। बहुत बुरी है भाई ये, इनने ना पिकअप ना कुछ ना भागी, जब इसे मैंने इसकी रेस दी फुल तो ये तो दिखी नहीं, गई कहाँ पीछे, पता नहीं कितनी पीछे रह गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये जो दिया है ये सबसे ऊपर वाली लॉक खोलने की, सबसे नीचे लॉक की और ये ऑन करने की। ठीक है, तो आगे अभी हमने अगर ये लॉक कर दी, ठीक है, अब तहलील इसे आगे बढ़ाए, तहलील बढ़ाओ आगे। अब अगर कोई भी इसे आगे बढ़ाएगा लॉक करने के बाद तो ये ऐसे बोलने लगेगी, और बड़ा जाम, ज़्यादा आगे बढ़ाओगे तो दोनों टायर जाम हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़े जब तक इससे जो है लॉक नहीं, लॉक खोल दिया, खोल गया। ठीक है, और इसका अगर आपको मीटर ऑन करना है, ये बीच वाली जो दी है इससे मीटर ऑन हो गया, चाबी की ज़रूरत नहीं। ये जो फंक्शन है ये इसमें U8 में नहीं दिया हुआ है, इसमें खाली नॉर्मल की दी है इस टाइप की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको दोनों स्कूटियों के बारे में बता दिया, U8 इसके मुताबिक बेकार निकली। एक और ये स्कूटी आ गई, रोक, एक इत्तेफाक से एक और स्कूटी आ गई इलेक्ट्रिक, इसका भी हम आपको दिखा देते हैं ये कैसी। रुक जा, इसमें तो अलग ही फंक्शन दिए हैं भाई, सही है यार, ये वाली सबसे बढ़िया लगी मुझे। स्पीड कितनी इसमें फैन, अगर आपको इस वाली स्कूटी का भी रिव्यू चाहिए, अब ये तो हार गई, ये तो निकली बेकार। ठीक है, इस ये बची और हमारी ये ओरेवा बची। अब इसमें और इसमें जो है अगर आपको चाहिए इन दोनों का भी रिव्यू, इन दोनों की एक क्या कहते हैं स्पीड टेस्ट करना है, तो फिर जो है इस वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, क्योंकि अब अगली वीडियो हम इसका रिव्यू देंगे इसके साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वाली का जो है रिव्यू चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, मतलब बहुत बढ़िया स्कूटी यार जी, इसका मैं रिव्यू दूंगा पूरा, अगर आपने इस वाली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करा। ठीक है, इस वाली वीडियो को आप लाइक करो, इस वाले का आपको रिव्यू दूंगा, बहुत अच्छी स्कूटी यार ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय।